रिचा बाइट कर ले अरे आया जस्ट मानना टू क्वेश्चन क्विकली गाइस क्विक मेरा मेरा हटो यार अरे विजुअल भी नहीं लगे फोन लगा दे वन मिनट या ये ले अच्छा मैं इंग्लिश में बात करने वाली हूँ ओके डन थैंक यू अच्छा ठीक ओके सामने हाय थोड़ा नीचे एक्चुअली सो आई थिंक गोलमाल हैज गॉट अ प्रीटी गुड रेपुटेशन ऑफ पूरा धमाल एंड धमाका सो आई एम एक्सपेक्टिंग ये वाला भी टू बी एज एंटरटेनिंग रोहित हैज वर्कड फॉर रियली लॉन्ग ऑन ऑल द गोलमाल सीरीज एंड आई एक्सपेक्ट नथिंग बट मैडनेस फ्रॉम ऑल दीज बॉयज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ऑल ऑफ देम एंड आई एम जस्ट वेटिंग टू वॉच द फिल्म आपके बॉयज मीन्स Well, I think that all of them are great actors and I expect them to do a fantastic job. There is nothing else, you know. They are all fine actors and I know it's going to be pura. It's going to be great fun. नहीं वी हैव नो फिल्मी टॉक एट होम हम लोग घर पे पढ़ाई के बारे में बात करते हैं और हॉलीडेज के बारे में बात करते हैं कि हाउ विच इज़ योर डेट फ्री एंड वेयर कैन वी गो तो सक्सेस के बाद कहाँ कुछ आप लोग का काम होने वाला है आई डोंट नो बॉस ऐसे नहीं कि प्रॉफिट्स मेरे घर आ रहे हैं तो मैं तो घर जाऊंगी थैंक यू मैं क्यों नर्वस होंगी मैं इसमें एक्ट नहीं कर रही और ऑलरेडी फिल्म आई थिंक 37 करोड़ कमा चुकी है पहले दिन सो नथिंग फॉर मी टू बी नर्वस एंड इट्स गोइंग टू डू अ ग्रेट अमाउंट ऑफ बिजनेस वेरी गुड फॉर द इंडस्ट्री वेरी हैप्पी फॉर माई फ्रेंड अर्शद एंड फॉर एवरी वन एल्स इन्वॉल्व विद द फिल्म गोलमाल के सीक्वल्स फोर्थ सीक्वल है तो क्या उम्मीदें हैं बताना चाहिए One of the most successful franchises and I'm very very happy that finally there's a big success, big hit in 2017 which has done very good business and my friend Arshad is here, Varsi, aja, come you talk. बच्चे पैदा हुए हैं
हेलो तू आए ना कुछ तो अनाप शनाप पकने के लिए आ गए नींबू मिर्ची को क्या हो गया था मालूम लास्ट में ना गाड़ी के आगे नींबू मिर्ची लगाते ना तो गाड़ियां सारी उड़ गई नींबू मिर्ची रह गए तो लगा दिया हम लोगों ने यहाँ पे। हाँ यार। कलेक्शन जो रहा है 37। थैंक गॉड फॉर दैट। थैंक गॉड फॉर दैट। जब मूवी बन रही थी फ्रेंचाइजी है ये तो इतनी उम्मीद थी आपको कि क्या मुझे पता था लोगों को फिल्म पसंद आएगी पर मुझे ये नहीं पता था क्या नंबर्स होंगे और क्या अमाउंट होगा वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है गेस करना बट मेरे ख्याल से अगर वो हम लोग सारी स्क्रीनिंग मिल जाती तो शायद नंबर्स और भी बड़े होते बट वेरी हैप्पी अबाउट दीज नंबर्स वेरी गुड नंबर्स कहीं ना कहीं डर था कि सामने सुपरस्टार सीक्रेट सुपरस्टार जैसी मूवी है लोग आमिर को हाँ। पसंद करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम लोग हमेशा इस बात पे डरते रहते हैं बट मैंने मुझे लगता है इतनी सारी आबादी हमारी हर फिल्म की जगह है सबके लिए जगह दो रिलीजेज है बड़ी इतनी बड़ी आबादी है देखते हैं सबके अपनी अपनी पसंद होती है जिनको सीक्रेट सुपरस्टार पसंद है वो शायद गोलमाल ना देखें जो गोलमाल के ऑडियंस हो शायद वो ना देखें बट कुछ भी मिला हो इतने सारे लोग हैं प्रॉब्लम नहीं अभी तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या रहा है और किससे मिला अरे बाप रे वो मत पूछो यार यार अभी पता नहीं अभी तो शुरू हुआ है मैं ये कह रहा हूँ कि ओपनिंग बहुत ज़बरदस्त है और अभी फ्राइडे है तो आई थिंक मंडे को एक्चुअली पता चलेगा बट आई थिंक हम लोग काफ़ी सेफ है आई थिंक वी हैव बीन अ वेरी वेरी गुड पोजीशन मैडम का बहुत ही अच्छा फीडबैक था उन्होंने कहा कि बॉय बहुत अच्छा लग रहा है मेरा जो बॉय है इस फिल्म में बॉय अच्छा मैं बॉय हूँ उनका अच्छा तो वो बहुत अच्छा लग रहा है वो ऐसी ऐसी बातें कर रही है मेरे ख्याल से हम सब ने अच्छा काम किया हाँ आपके हाथ में चोट दिखाई दी हाँ ये यार मैं प्रमोशन के नाम पे मेरी उंगली कट गई चार टांगे लगे हैं तो हम लोग प्रमोशन कर रहे थे दिल्ली में तो कट गया हाथ मेरा हाँ धमाल आने वाली है धमाल आएगी धमाल की शूटिंग शुरू नहीं धमाल की शूटिंग शुरू होगी फिर मुन्ना भाई की शुरू होगी धमाल में फिर अजय वर्मन करेंगे हाँ मुन्ना भाई का काम चालू अरे क्यों फिजूलते वो मेरे ख्याल से अगले साल एंड में मुझे ऐसे ही लगता है जब तक वो संजू की भाई भी ख़त्म होगी उसके बाद थैंक यू वेरी मच गर्मी बहुत हो रही है थैंक यू Yeah, you'll be sitting and watching the movie with us but on the ice.
शुरू हो गई ना पिक्चर इतने एक्साइटेड है पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पे 30 करोड़ क्रॉस हो चुके हैं तो कितने एक्साइटेड है आज हाँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज गोलमाल एज अ फ्रेंचाइज बहुत इंजॉयबल हमेशा रहती है और मेरे बहुत करीबी दोस्त अरशद हर गोलमाल के इंस्टॉलमेंट में रहते हैं तो आई एम वेरी एक्साइटेड अरशद ने ये स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज करी है लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड ऑफ कोर्स एज आई सेड गोलमाल इज अ वेरी एंजॉयबल फ्रेंचाइज आज पहली बार पूरी फैमिली के साथ आए हैं बच्चों के साथ तो जी धमाल होने वाली है क्योंकि ये ऐसी फिल्म है जो आती है हम बच्चों के साथ देखना चाहते हैं इट्स अ फिल्म दैट द एंटायर फैमिली कैन एंजॉय मज़ा आता है हमेशा जब भी हमने गोलमाल देखा है हमेशा हर गोलमाल मैंने अरशद के साथ ही देखा है तो बहुत मज़ा आता है इसलिए सारी फैमिली आई है मेरे अभी दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं एक तो हमने अनाउंस करा है 1983 वर्ल्ड कप पे जो एक फिल्म बना रहे हैं वो नेक्स्ट ईयर शुरू होगी कभी और उससे पहले एक मैं अमेजोन के लिए मिनी सीरीज कर रहा हूँ कॉल्ड द फॉरगॉटन आर्मी जी थैंक यू